मेरठ के प्रहलाद नगर में हिंदुओं के पलायन का किस्सा इस वक्त जोर पकड़े हुए है। शहर का जाना माना इलाका प्रहलाद नगर अब सूना होता जा रहा है। बहुसंख्यक परिवारों का कहना है कि दिन पर दिन उनका जीना मुहाल हो रहा है, जिस वजह से एक एक करके सभी परिवार अपने घरों से पलायन कर रहे हैं। आज अपराधों और छेड़छाड़ जैसी घटनाओं के चलते प्रहलाद नगर के पंजाबी परिवारों का रहना दूभर हो गया है। इस मोहल्ले में अब हर तीसरे मकान में लिखा है मकान बिकाऊ है। मेरठ के प्रहलाद नगर पहुंचे दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुनील भराला, उन्होंने आज वहां पीड़ित परिवारों से बात भी की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, पलायन का मामला पूर्व सरकारों की देन है। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और सरकार के साथ में माननीय आदित्यनाथ योगी जी की सरकार में ऐसा संभव हो ही नहीं सकता है। ये पुराने जो कोकस हैं ये सामने आ रहे हैं और इसका उदाहरण आज हमारा निरीक्षण भी है। आज हम मेरठ के ही प्रहलाद नगर में पहुँचे और 17 परिवारों से मिले, तो ये हमारी जो सरकार 2 वर्ष की सरकार है, इस सरकार का प्रकरण नहीं आ रहा है सामने। तो जो सामने दिखाई दी है सारी चीज़ें और जो हम परिवारों से मिले हैं, ये पिछले लंबे समय की जो प्रवृत्ति वहाँ की है उस प्रवृत्ति का एक आधार है और उसी प्रवृत्ति के चलते हुए उस पर अभी छींटे लगे हुए हैं। तो हमारी अब जिम्मेदारी ये है कि जो हमारे संज्ञान में चीज़ें आई हैं कि इन छींटों की सफाई करना है। इस पर पलायन हो रहा है, पुलिस मना कर रही है, पलायन नहीं हो रहा है, आपका आपको क्या लगता है? हम नहीं, देखिए पलायन जो है, आज हम पूरे परिवारों में गए हैं, अभी पलायन नहीं हुआ है, लेकिन पलायन करने के लिए विवश करने की बातें सामने आई है। तो जो बातें सामने आ रही हैं, विवश किया करने की बातें सामने जो आ रही हैं, उसको हमने खुद संज्ञान लिया है और उस पर हम एक रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए गोपनीय रिपोर्ट बना रहे हैं और उनको हम सौंपेंगे इस रिपोर्ट को। सुनील भराला ने कहा कि वो इस मामले को लखनऊ में उठाएंगे, इसकी जांच के लिए योगी जी से भी बातचीत की जाएगी। फर्स्ट बाइट के लिए सोनू चौधरी की रिपोर्ट।